कर दोस्तों, मेरा चैनल है आज जानकारी। तो आपको इस चैनल पे बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी। आज मैं ये फैन बेल्ट चढ़ाने की जानकारी देता हूँ कि आटा चक्की में फैन बेल्ट हम कैसे चढ़ाते हैं, क्योंकि कई बार ये नट खोल देते हैं, बच्चों को जानकारी होती नहीं। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे ये नट खोलते हैं, इसके साथ बाद में चक्की को सेट नहीं हो पाती, इसके लिए दोबारा टंचाई करानी पड़ती है, तो आपके 500-400 रुपये लग जाते हैं। तो फैन बेल्ट हम कैसे दोबारा नया फैन बेल्ट चाटते हैं, इसके बारे में आपको ये वीडियो बताऊंगा। उससे पहले आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फैन बेल्ट बगैर नट खोले कैसे चक्की में डाला जाता है, ये आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये पहले सबसे पहले आपको ना को ये करना है, देखो इसको यहाँ से आप खोल लीजिए। अब ये ध्यान रखिए, ये हमने यहाँ से खोल दिया, इसको नीचे लगा दिया, उसके बाद में देखो ये यहाँ से निकाल ली, ये चिलम बोलते हैं इसको, ये निकल गई। इसके बाद में अपने को ये फैन बेल्ट लेना है, तो क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे डाल देना है। अब ये ऐसे डाल देना है, देखो इसको, ये अपना फैन बेल्ट है, ये ऊपर निकाल लिया, अभी इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो ये निकल गया, अब अपने को क्या करना है देखना। अब ये निकल गया, ये नीचे पुल है, ये इसके बाहर से लेके और अपने को ऐसे करना है, जैसे ये इधर कर दिया इस पुली को, और अपने को इसको ऊपर खींच लिया, जैसे ये ऊपर खींच लिया, ये लो ये फैन बेल्ट डल गया। अब इसको डालने के बाद में यहाँ से चला के इधर से पुली पे चढ़ा देना, जैसे ये पुली पे चढ़ा दिया, और ये यहाँ से अपने को ऐसे चढ़ा देना है। सबसे पहले ये चढ़ाने से पहले आपको क्या करना है, वापस से ये चीज़ डालनी है, ये वापस डाल दी, ये डाल दी, ठीक है। फिर बाद में इसको ऐसे घुमा लिया, इसको वापस अपने को यहाँ से वापस फिट कर देना है, ये ऊपर निकल गया, ठीक है। इसके बाद में ये जो पहले था ना वैसे डाल दिया, ठीक है, ऊपर ये लगा दिया, अब ये लगा दिया, इतना सा काम है। इसके लिए आप क्या करते हो, ये नट खोल लेते हो, यार ये खोल के डाल लेते हैं। इसके बाद में चक्की क्या, ये नट सेट थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो अपनी चक्की फिर दलिया निकालेगी या आटा नहीं निकालेगी, दोबारा टचाई करानी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। इसकी मैं पूरी जानकारी आपको फैन बेल्ट के बारे में दे चुका हूँ। अब मोटर बंद क्यों होती है, इसकी जानकारी के लिए आल आवर स्टडी एक चैनल है हमारा, आवर स्टडी OUR आवर स्टडी चैनल, उस पर जाओगे तो आपको मोटर चलती चलती बंद क्यों होती है वो जानकारी मिलेगी। यहाँ एक बटन होता है, वो बटन के बारे में आपको बताऊंगा कि बटन का कनेक्शन काट दो, मोटर चलती चलती बंद नहीं होगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो मेरा ज़रूर देखना और बेल आइकन दबा लेना, आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।